परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आज भी एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जरूर ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आएगा, इसलिए कृपया इस वचनों पर आप ध्यान से सुनिए। हाय, हम उस वचन की ओर हम जाएंगे। ऐसाया नबी की किताब 54:14। ऐसाया 54:14, तू धर्मी होने के द्वारा स्थिर हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस ऐसाया 54:14 वचन की पहले भाग को हमने पढ़ा है। यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है, तुम्हें स्थिर किया जाएगा, तुम स्थिर हो जाएगा, आप मजबूत होएगा, आपकी जिंदगी सुदृढ़ होगा, आपके विश्वास सुदृढ़ होएगा। मेरे प्यारो, आप स्थिर होने के लिए क्या करना है? इस वचन में लिखा है, जो मनुष्यों की धार्मिकता उनके जीवन में उनको सुदृढ़ करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बाइबल में जो विश्वासियों के पिता अब्राहम के बारे में देखते हैं, अब्राहम अपने विश्वास में एकदम सुदृढ़ था। अब्राहम अपने जीवन में भी एकदम सुदृढ़ था। उसके वजह क्या है, उसके बारे में हम रोमियो की किताब में पढ़ सकते हैं। अब्राहम के बारे में रोमियो की किताब 14:20-23 वचन तक, रोम चैप्टर 4:22-23, उन वचनों में अब्राहम के बारे में लिखा है। अब्राहम एक विश्वासी था, विश्वासियों के पिता था। उनके बारे में उस वचन में लिखा है, उनके जो क्रिया, उनके जो काम, उन्होंने जो किया है, उसके वजह से उन्हें, उनके लिए वो धार्मिकता के योग्य बन गया है। मेरे प्यारो, इसे सुनने वाला आपको भी परमेश्वर आज स्थिर करने वाला है, आपको मजबूत करने वाला है। इसलिए हम क्या करना है, हम उस अध्याय से हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 14:20-23 वचन तक। वहां पर चार बातों को लिखा है। एक तो अब्राहम को जो परमेश्वर ने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, उसमें उन्होंने शक नहीं किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे सुनने वाले आपकी जिंदगी को परमेश्वर सुदृढ़ करना है, या आपके जीवन सुदृढ़ होने के योग्य होना है, तो परमेश्वर आपको जो भी वादा किया है, जो भी प्रतिज्ञा दिया है, उसमें आप शक नहीं करना है। हालात कैसा भी हो सकता है, हमारी दुनिया के परिस्थिति कैसा भी हो सकता है, परमेश्वर के वचन कहता है आकाश और पृथ्वी भी ढल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की वचन, परमेश्वर हमें दिया वो प्रतिज्ञा वचन कभी भी नहीं ढलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको परमेश्वर जो भी वादा किया है, सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा, कर आपके अंदर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, परमेश्वर अब्राहम के अंदर जो प्रतिज्ञा दिया था, उसे परमेश्वर पूरा करेगा, कर पूरा निश्चय के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। हमें जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, उसे पूरा करेगा, कर पूर्ण निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। जरा करेगा तो करेगा, नहीं तो करेगा, ऐसा नहीं, पूरा निश्चय, पूर्ण निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। वो निश्चय के साथ प्रभु परमेश्वर उसे पूरा करेगा, कर भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। और तीसरा, अब्राहम ने परमेश्वर को महिमा किया। और हम परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, ये कहकर महिमा करना चाहिए, प्रभु आपने मुझे दिया हुआ प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, कर मैं विश्वास कर रहा हूं, कर परमेश्वर को अब महिमा करना चाहिए। इसके वजह से अब्राहम विश्वास में सामर्थ्यवान बना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर की वचनों पर हम शक नहीं करना चाहिए, उनके प्रतिज्ञा के ऊपर हम पूर्ण निश्चय के साथ भरोसा करना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, ये करेगा तो आप परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास में अब मजबूत हो जाएगा, आप सामर्थ्यवान हो जाएगा। ये जो कार्य जो है अब्राहम के लिए धार्मिकता के विषय बन गया था। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम के विश्वास को, अब्राहम की जिंदगी को कोई नहीं ला सका, परमेश्वर उनको किया वह सारे वादाओं को पूरा किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे सुनने वाले आपके जीवन में भी परमेश्वर अब तक जो भी वादा किया है, सब कुछ
पर मैं आपके लिए जरूर वो पूरा करेगा। आप विश्वास कर इस समय आप प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के तरफ देखेंगे। अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हवाले करो। जरूर प्रभु परमेश्वर आज से लेकर आपके जिंदगी को, आपके परिवार को, आपके सभी क्रियाओं को सुदृढ़ करने वाला है, मजबूत करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने दिया वो सुंदर सा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अनुसार जो कोई अपने आप को समर्पण कर आपके ओर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जिंदगी में अभी इसी समय आपके वचन क्रिया करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आज आपने कहा हमारे जो धार्मिकता हमारे जिंदगी को सुदृढ़ करते कर हमने अब्राहम के बारे में देखा। अब्राहम आपने उनको किया वो प्रतिज्ञा के ऊपर शक नहीं किया, और आपने जो प्रतिज्ञा किया है उससे आप पूरा करेगा कर पूर्ण निश्चय के साथ आपके ऊपर भरोसा किया। तीसरा वो आपको महिमा किया, इसके वजह से अब्राहम विश्वास में सामर्थ्यवान बना। उसी अनुग्रह आज इसे सुनने वाले हरेक के ऊपर अब उड़ालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हरेक जन बिल्कुल शक नहीं करते हुए आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा कर पूरे निश्चय के साथ आपके ऊपर भरोसा कर आपको महिमा करने वाला उस अनुग्रह को, सामर्थ्य को हरेक के ऊपर उड़ालने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इसे सुनने वाला हरेक जन को विश्वास में सामर्थ्यवान बनाइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे ही कर हमारे जिंदगी को आप सुदृढ़ कर रहे, इसलिए धन्यवाद। आपके हाथों में समर्पण करते हैं सारे स्तुति गौरव महिमा आपको देकर हमारे उतारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमेन आमेन। मेरे प्यारो, प्रभु परमेश्वर आपको सुदृढ़ किया है, आपको कोई भी नहीं ला सकता है। कोरोना वायरस से मत डरो, कुछ भी हमारे विरोध परिस्थिति है उसे देखकर मत डरो। हमें सुदृढ़ करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमेन आमेन।